नमस्कार, मैं चंचल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। LIC के IPO पर टूटे निवेशक, 10 मिनट में 17 लाख शेयरों के लिए बोली। देश का अब तक का सबसे बड़ा LIC का IPO सुबह 10 बजे सब्सक्रिप्शन के लिए खुला और एक घंटे में ही 12% सब्सक्राइब हो गया। इसके पहले 10 मिनट में ही 17 लाख शेयर्स के लिए बोली लग गई है। LIC IPO में 16 करोड़ 20 लाख 78 हजार 67 शेयर बिक्री के लिए रखे गए हैं और अब तक 2 करोड़ से ज्यादा शेयर्स के लिए बोली मिल गई है। LIC के IPO में कर्मचारियों के लिए रिजर्व हिस्से में से 27%, पॉलिसी होल्डर्स के लिए 24% और रिटेल निवेशकों का 18% हिस्सा सब्सक्राइब हो गया है। LIC के IPO में निवेशक 9 मई तक पैसा लगा सकते हैं। IIMT विश्वविद्यालय के 5 विद्यार्थियों का सॉफ्टवेयर कंपनी ऐप स्क्वाड्स में चयन। IIMT विश्वविद्यालय मेरठ के छात्रों का समय समय पर विभिन्न कंपनियों में चयन होता रहा है। इसी कड़ी में प्रतिष्ठित सॉफ्टवेयर कंपनी ऐप स्क्वाड्स ने 5 छात्रों का चयन किया है। कंपनी ने MBA AKTU के मोहम्मद नौमान खान, स्तुति गोयल, BTEC CS AKTU के ऋतिक मिश्रा, संध्या और MCA AKTU की शिवानी चौहान का चयन ट्रेनी पद के लिए किया है। चयनित विद्यार्थियों को 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष वेतन के अतिरिक्त इंसेंटिव और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। IIMT विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता, प्रति कुलाधिपति डॉक्टर मयंक अग्रवाल ने चयनित विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे का ऐलान, लाउड स्पीकर उतरने तक जारी रहेगा आंदोलन। महाराष्ट्र में जारी लाउड स्पीकर विवाद और गिरफ्तारी की आशंका के बीच मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर की आवाज बंद होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर वे अड़े रहेंगे तो हम भी धर्म का पालन करेंगे। राज ठाकरे ने कहा कि लाउड स्पीकर का मामला धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक है। मंदिरों से भी लाउड स्पीकर हटने चाहिए, लेकिन जो इसे धार्मिक रंग देगा उसके साथ हम वैसा ही करेंगे। राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में करीब 90% मस्जिदों में से लाउड स्पीकर से अजान नहीं हुई है। हालांकि उन्होंने फिर कहा कि जो लोग हमारी बात नहीं मानेंगे वहां हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। दूसरी ओर अजान के समय हनुमान चालीसा बजाने के आरोप में महाराष्ट्र में करीब 250 मनसे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा को जमानत पर कोर्ट ने लगाई कई शर्तें। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को मुंबई सेशंस कोर्ट ने जमानत दे दी है। हनुमान चालीसा विवाद को लेकर जेल में बंद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की जमानत याचिका पर मुंबई सेशन कोर्ट ने 2 मई को सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब मुंबई सेशंस कोर्ट ने नवनीत राणा और रवि राणा को 50,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने कई शर्तें रखी हैं जिनका पालन करना होगा। कोर्ट ने कहा है कि इस मुद्दे पर मीडिया से बात नहीं कर सकते और अगर गवाहों को प्रभावित किया तो भी जमानत रद्द कर दी जाएगी। इसके साथ ही पूछताछ के लिए बुलाने पर पुलिस के समक्ष पेश होना होगा। देश में मिला कोरोना के XE वेरिएंट का पहला केस, 10 गुना ज्यादा है संक्रामक। देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच XE वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है, जबकि दुनिया में XE वेरिएंट का पहला केस इसी साल 19 जनवरी को ब्रिटेन में दर्ज किया गया था। कोरोना का XE वेरिएंट अन्य वेरिएंट के मुकाबले 10 गुना ज्यादा संक्रामक है और लोगों को तेजी से चपेट में लेता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार XE वेरिएंट कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट BA.1 और BA.2 के मिलने से बना है। इसके लक्षणों में बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, बदन दर्द, सिर दर्द, गले में खराश और नाक बहना शामिल है। इसके अलावा थकान, चक्कर आना, सूंघने और स्वाद में कमी आना भी कोरोना के XE वेरिएंट के लक्षणों में शामिल है। एक दिन बाद फिर बढ़े कोरोना केस, दिल्ली बना हुआ है हॉटस्पॉट। देश में कोरोना का कहर फिर बढ़ने लगा है। एक दिन में कोरोना के 3,239 नए मामले सामने आए हैं और 54 मरीजों की जान गई है। इससे एक दिन पहले 2,568 नए केस मिले थे। कोरोना के नए मामले बढ़ने के साथ एक्टिव केस भी बढ़ गए हैं। देश में फिलहाल 18,317 संक्रमितों का इलाज चल रहा है, जबकि पॉजिटिविटी रेट 1.22% हो गया है। वहीं दिल्ली अभी भी कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 1,414 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इससे पहले 1,076 केस मिले थे। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 5,986 हो गई है। बीकानेर में पारा 47 डिग्री के पार, रेत में 10 मिनट में सिक गए पापड़।
बीकानेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों ने भीषण गर्मी का एहसास कराने के लिए अनूठा प्रयोग दिया। इन जवानों ने पापड़ रेत में दबाए और 10 मिनट बाद देखा तो पापड़ पूरी तरह से सीख गए थे। बीएसएफ जवानों ने एक पापड़ तोड़कर भी दिखाया और कहा कि वो आम जनता को बताना चाहते हैं कि सीमा पर तैनात सैनिक किन विषम परिस्थितियों में देश सेवा के लिए जुटे रहते हैं। बीएसएफ के डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह का कहना है कि यहाँ हर बार इतनी गर्मी पड़ती है, हमारे जवानों के हौसले गर्मी से भी ज्यादा सख्त हैं। इस समय पश्चिमी राजस्थान के सभी जिले भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं। बीकानेर में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से पार पहुंच गया है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ लाइव।